उधर मध्य प्रदेश में एमवीएम कॉलेज के सैन्य विभाग के सिलेबस से कारगिल वॉर के चैप्टर को हटा दिया गया है, जबकि 2017-18 तक सेना में जाने की रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं को कारगिल वॉर के बारे में पढ़ाया जाता रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि सिलेबस को कम किया जा रहा है। कारगिल वॉर के चैप्टर को सिलेबस से हटाए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि कारगिल विजय बीजेपी सरकार के वक्त हुई थी और यही वजह है कि कमलनाथ सरकार ने इसे सिलेबस से हटा दिया है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी के एचओडी हैं कैलाश त्यागी, उन्हीं से जानते हैं। सर, ये बात आ रही है कि इस बार जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें कारगिल वॉर को हटा दिया गया है, तो इस अगर कहें तो सिलेबस से क्यों हटाया गया? क्या हटा दिया या जोड़ दिया, ये कुछ नहीं होता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है, वो तय करती है क्या चीज़ें रहेंगी क्या नहीं रहेंगी। उस बैठक में हुआ है वो, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम खत्म हुआ है और अब ईयरली शुरू हुआ है, तो उसके हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया गया। इससे पहले 2017-18 में था, अब जबकि सरकार चेंज हुई है, तो इसी को आप लोगों की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं ली गई कि सिर्फ इसी को क्यों हटाना, बाकी सारे वॉर भी आप लोगों ने शामिल किए हैं तो इसको भी किया जा सकता था? ये हाँ, उसमें कम से कम 15 लोग रहते कमेटी में, वो तो तय करते हैं कि कौन सा सिलेबस को कितना है, चूँकि अब ईयरली में कन्वर्ट हो रहा है, लेंथी है सिलेबस, तो उसमें जो संशोधन कमेटी समझती करती, स्वतंत्र कमेटी इसके लिए बहुत सा, हर यूनिट से एक एक चैप्टर विड्रॉ किया गया है बड़ा होने की वजह से। दो पेपर होंगे साल भर में, बच्चा दो पेपर पढ़ गया एक क्लास में, पहले चार पेपर पढ़ रहा था वो साल भर। डिफेंस स्ट्रेटजी में दो पेपर चलते हैं, एक फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो हमने जो फर्स्ट पेपर की जो लास्ट यूनिट है उसमें प्रॉक्सी वॉरफेयर के नाम से एक चैप्टर रखा है, जिसमें जितनी कारगिल से एयर स्ट्राइक तक के जितने वॉरफेयर होते हैं वो उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये रिपीटेशन हो रहा था इसलिए सेकेंड यूनिट में इसको हटा दिया गया, इसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि प्रॉक्सी वॉरफेयर में ये आ जा रहा था। सरकार की रीति केवल यह है कि वो कुछ विषय जिनमें गांधी परिवार के अलावा भी किसी को श्रेय मिलता हो इस देश के लिए, उस सब इतिहास को खत्म करना है। ये बहुत आपत्तिजनक है, कारगिल जैसा वो घटनाक्रम जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे, उस वीरता को यदि सिलेबस से हटाया गया तो ये घोर आपत्तिजनक है। उधर पाकिस्तान एक बार फिर भारत के दबाव के आके झुक गया है। पाकिस्तान के ने भारत के यात्री विमानों के लिए अपना एयर स्पेस अब खोल दिया है। फरवरी में बालाकोट पर भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने रात करीब 12:41 पर अपना एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए खोला और जल्द ही भारतीय विमान पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भर सकेंगे। अब तक भारतीय विमानों खासतौर पर एयर इंडिया को घूमकर जाना पड़ता था।